Wonderful experience, absolutely fantastic. Fantastic film for a new director. He's written it himself. Everybody's performed fantastically. The new girl, every actor, absolutely brilliant. We wish more such films are made. And thanks to Ameer, we are going to see such films in future too. I hope he keeps up doing such good films. And your work? I'm speechless. It's a wonderful movie. And it's about mother and daughter. And this film is all for mothers and daughters. And fantastic. And hats off to Ameer. Thank you. Happy Diwali. क्या हुआ? I have to just say कि it's been a really long time जब since I've cried like this in a film. बहुत ही सुंदर film है, बहुत ही emotional film है और funny भी है. And I think it's a must watch. Secret Superstar is all about following your dreams and passion, and it's a beautiful film. So everybody must watch it. Aamir Khan is a genius. मैंने उनसे कहा है कि आई थिंक ही इज़ द फनीएस्ट पर्सन अलाइव. ही इज़ सो गुड इन द फिल्म. बट एक्चुअली मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, आपको फिल्म जाके देखना चाहिए. बट ही इज़ जस्ट अ जीनियस बिकॉज ऑल्सो ही इज़ फाउंड अ फिल्म लाइक दिस एंड ही इज़ पुशिंग द डायरेक्टर अद्वैत. फैबुलस जॉब फॉर हिज फर्स्ट फिल्म. इज़ जस्ट अनबिलीवेबल. आई थिंक दैट मेरी प्यारी अम्मी, दैट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. अभी द सॉन्ग्स आई डोंट नो द फुल नेम्स, बट व्हेन यू सी द फिल्म सारे गाने इतने खूबसूरत है बिकॉज दे ऑल गो विद द फिल्म. You know the picturization, and it is very very beautiful. I'm bhi abhi main ghar ja ke so rahi hu, mere ko kal shoot hai, but tomorrow I will party with Diwali. Happy Diwali. Thank you. Picture, I think ab tak ki jo maine picture dekhi hai saal ki, I think ye saal ki sabse behtareen film hai. I mean, I can't get over it still. I mean, itni emotional hai, itni khoobsurat hai, hasati hai, rulati hai, performances are outstanding. I think it's one of the proudest films I've seen. Aamir Khan ne hamesha apna kamal dikhaya as a producer, as an actor. Lekin is film ki jo experience hai, wo kuch aur hi hai. Sab ka kaam terrific hai, aur ye director Advait jo hai, I think big, big, big congratulations. Itni khoobsurati se usne film ko piroya hai. इस फिल्म को ब्लेंड किया है इमोशनली. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी और हिंदुस्तान के बाहर भी इस फिल्म को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा श्रेय मिलेगा. आई लाइक द एंटायर एवरी बिट ऑफ दिस फिल्म इज़ ब्यूटिफुल. आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब ये बहुत खूबसूरत दिवाली ऑफरिंग है और सब जाके अपने परिवार समेत ये फिल्म को देखें. और सब लाभ. Happy Diwali. बहुत अच्छी, इट्स सच अ टचिंग, सच एन इमोशनल फिल्म. दिल खुश हो गया. कुछ ऐसी फिल्में होती हैं ना जो दे जस्ट मूव यू. ये दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स. एंड यू नो, हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. इतने खूब परफॉर्मेंसेस, एवरीवन इन द फिल्म इज सो परफेक्ट एंड आई एम स्पीचलेस. आई थिंक हाँ, अरे सुपर, ही इज टू फनी इन द फिल्म. बहुत मज़ा आया एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर देखकर. उन्होंने पता नहीं कहाँ से इनको ऐसे निभाया है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कुछ, आप भी देखोगे तो ऐसे लगेगा कि इन्होंने यहाँ वहाँ से कुछ लोगों को एक्चुअली उसमें एक में मिक्स कर दिया है. बट बहुत मज़ा आया. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट कैरेक्टर्स. वो आपने उनसे नहीं पूछा? तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ अगर मेरे प्रोड्यूसर नहीं कह रहे हैं. रिलीज तो 3 नवंबर को है. स्टेटस ये है कि आप जितने क्यूरियस अभी है तब तक भी उतने क्यूरियस रहे. तो 3 नवंबर को मिलते हैं थिएटर्स. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. थैंक यू, बाय. देखिए पिक्चर कल रिलीज़ हो रही है. वैसे तो हमेशा आमिर खान बहुत बढ़िया बढ़िया थीम लेकर, बहुत अच्छा संदेश लेकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं. यानी एक नए आयाम, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और फिल्मों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त संदेश देते हैं. जैसा कि दंगल में देखा आपने, तारे ज़मीन पर देखी आपने, आपने उनके 3 इडियट्स देखी, बहुत सारी फिल्में. ये इसमें नयापन है. ये फिल्म जो भी हमने देखी है कल, चूँकि इसका जनरल रिलीज़ है, लेकिन ये फिल्म में सपने देखना बहुत ज़रूरी है.
अगर सपने देखेंगे नहीं तो सपनों को साकार कैसे करेंगे। तो इसलिए सपनों को साकार करने के लिए जैसे आपको डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में खुददारी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या वुमेन को अपना रास्ता चुनने का पूरा अख्तियार है, और जब वो चुनती है तो अपने सपनों को साकार करते हुए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसको आप देखें बहुत इस ग्रिपिंग फिल्म में, ये इमोशन से भरी हुई फिल्म में, इसमें जिस तरह से स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इमोशंस को, डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को और कमिटमेंट को लेकर फिल्म बनाई गई है, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से पेश किया है। ख़ासकर की हीरोइन जो है ज़ायरा, और ज़ायरा के साथ साथ दूसरी हीरोइन जिन्होंने माँ का रोल किया है, मेहर विज, बहुत ही बढ़िया काम किया इसमें। वो लड़का राज है, एक अच्छा कलाकार है, और राज की शक्ल तो खैर आप में से किसी से मिलती जुलती भी है, बहुत बढ़िया काम किया। यानी और खैर आमिर खान के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चिराग दिखाने वाली बात होगी। आमिर खान तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, और इसमें बहुत नए तरीके से अपने को पेश किया है जो बहुत अच्छा भी लगता है और काफ़ी इंटरटेनिंग भी है। तो मैं इस फिल्म की सफलता के लिए आमिर खान को बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ, और इसकी सफलता के लिए इस फिल्म का सीक्रेट सुपरस्टार के लिए मैं सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपनली दिल खोलकर दुआ करता हूं कि बहुत फिल्म कामयाब हो। शुक्रिया। आज भी स्क्रीनिंग बहुत अच्छा मिल रहा है। अमीर जी मेरी पूरी जज्बाती हो चुकी हैं, अभी हम लोग हमारी आज की लास्ट स्क्रीनिंग थी और इट्स गोइंग वेरी गुड। आई एम वेरी ग्लैड लोगों को फिल्म जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा पसंद आ रही है, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड सो इज़ अमी जी। एवरीथिंग अम्मी बताएंगे, अम्मी तो अम्मी और मैं हम लोग एंग्जाइटी नर्वसनेस रहती है, बट वो प्रोसेस है। आई थिंक हमने अभी डिसाइड किया कि हम इन्जॉय करेंगे इस प्रोसेस को, पर नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं नर्वसनेस है। दैट्स हाउ इट इज़। Thank you. Thank you. Good night. Hi, how are you? మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.